बहुत ही मज़ेदार किस्म की इस पर एक एकदम बैकग्राउंड है। तो मुझे याद है मारूख बीइंग सच एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, बीन फ्रेंड्स फॉर सिंस मिड 90s, तो मारूख ने कहा था कि अगर तुम आगे तक बने ना तुमसे अपना घर डिज़ाइन कराऊंगे। When you're friends with a very renowned architect who's one of your best friends, so it makes all the sense because you don't need to argue with them or tell them your point of view. So it happens very easily with friends. मारूख के टेस्ट का मुझे पता था, मारूख मुझे पता था कि वो किस तरह अपना घर रखती है, बिकॉज आई बिन गोइंग टू अ हाउस फॉर मेनी ईयर्स। मुझे पता था कि उसका रहने का अंदाज़ क्या है, रहने का तरीका क्या है। जो हम वैसे भी जब भी कोई नया क्लाइंट आता है तो हम ये बात करते हैं कि अच्छा पहले आपका हम घर आके देखेंगे, वी नीड टू सी हाउ यू लिव। मारूख के केस में ये बहुत मेरे लिए एक कम्फर्टेबल जोन में था पहले ही। मैं मुझे पता था कि आफ्टर द हाउस इज डन जो भी है उसके पास उसको वो बेहतर करेगी और उसके साथ वो ऐड करेगी। एंड द कलर स्कीम्स दैट वी केम आउट विद, द आर्ट वर्क दैट शी हैड और शी बॉट लेटर, वो किसी हद तक घर का हिस्सा बनता गया। अभी भी शी कीप्स ऑन इम्प्रूविंग, एवरी टाइम आई एम बैक शी टॉक्स अबाउट बाइंग अ न्यू आर्ट वर्क, बाइंग गेटिंग नो न्यू प्लांट्स। दीज आर एक्चुअली द इनिशियल्स फॉर माई ऑल थ्री किड्स नेम्स, सो दिस इज वेरी पर्सनल and that was inspired by my trip. The whirlings and all are, you know, because I love a little bit of spiritualism and it makes me feel connected, so that brings the Islamic or my spiritual side obvious to everyone that comes and views my artwork. Wo jo ek dosti thi, वो दोस्ती जो थी वो किसी हद तक इस घर में झलकती भी है, बिकॉज वी बीन एबल टू डिसाइड ऑन एलिमेंट्स एंड आइटम्स ऑफ द हाउस दैट वर्क विद हाउस, रादर के एक बिल्कुल एनियल तरीके से लोग अपने घरों को, कि घर का डिज़ाइन कुछ कहता है और फर्नीचर बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इस केस में मारूख की बहुत एफर्ट है टू कीप द हाउस दैट शी डज, टू वर्क ऑन द मटीरियल्स दैट आई डिसाइडेड एंड देन सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन दैट इम्प्रूव ऑन दैट। सो आई थिंक वो दोस्ती जो थी उसने उसकी वजह से आई वॉज एबल टू कन्विंस हर एंड शी वॉज एबल टू कन्विंस मी के एंड प्रोडक्ट जो है वो कैसा होगा एंड द कलर्स दैट आर बीइंग एडेड टू द हाउस एंड द आर्टवर्क दैट बीइंग एडेड टू द हाउस एंड द फर्नीचर दैट्स बीइंग एडेड टू द हाउस इज रियली कॉम्प्लीमेंटिंग द डिजाइन। एवरीथिंग इन माय हाउस, नथिंग इज डिजाइनर फर्स्ट ऑफ ऑल, अंटिल द ओनली कपल ऑफ वन और टू पीसेस आर फ्रॉम वेरी हाई एंड furniture stores and all. Everything I've made myself. This is self-made. Got this table from, the idea came from Pinterest and I got this made myself. This is all collection of a lot of ideas coming from a lot of places, research, Pinterest, Google and all that. And I just did not want to have a chappa kind of a, ki chappa hai, ki wo unke ghar dekha to we are going to do the same. The concept and the interior design is very earthy, very local, very Pakistani and very Islamic culture se thoda inspired hai zyada, agar aap dekhe to tiles bhi aur kuch mera artwork bhi and interior is all, it's inspired by Pakistan. It's, you'll see a lot of things everywhere, you're going to see all artwork is all Pakistani, made by entrepreneurs mostly, and they're all commissioned arts, and then you'll see Hala Kashigar, which is also from, you know, it's basically it's all Pakistan. You'll see corners of my country in every place, every room of my house. Honestly, जो मेन सारा कॉन्सेप्ट है वो तो मेरी वाइफ का है, लेकिन ये था इनपुट मेरा भी था और सबका, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इवन स्पेशली फवाद का। हमने अपने जो सारे प्रायोरिटीज़ थे वो उनके सामने रखे और उसके बाद उन्होंने जो जिस तरह उसको विजुअलाइज़ किया, वी वर ऑन बोर्ड विद इट। बाकी जो आपको पूरे घर में डिफरेंट टचअप्स नज़र आ रहे हैं वो मेरी वाइफ के हैं। आई टोल्ड वेरी क्लियर, मैंने कहा बात सुन, तुमने मुझे रिक्वायरमेंट्स तो देनी लेकिन फिर तुमने मुझे करने देना जो मैं करना चाहता हूँ। वी लुक इन टू कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी मटेरियल फ्रेंडली किस्म की चीज़ें, लेकिन प्लान जो है ना वो इस तरह का होगा जो मैं, आई विल अशोर यू कि इट विल बी समथिंग दैट यू दैट विल ग्रो आउट ऑफ द अर्थ बी, विच इज़ समथिंग दैट वी लुक एट एंड देन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे लिए वाटर एंड लैंडस्केप जो है ना वो घर का
एक बड़ा मेन हिस्सा होता है। लाहौर जैसा तो कोई दुनिया में जगह नहीं हो सकती, बट इस्लामाबाद हैज़ बिकॉज पीपल हु लव नेचर दे फॉर मी इट्स एन एसेंशियल टू सर्वाइव is a clean air, no pollution, greenery, the ability to drive for 30 minutes and go up in the mountain. I had a clear thing in my mind ke the house will come out in a way that it will rotate through a garden, the garden being the essence of the space, a philosophy which is very close to my heart. आई थिंक कुछ लोगों का फोटे होता है ना कि वो काम जो है सीधे स्ट्रेट लाइंस पे करते हैं। वो इनिशियली आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन स्ट्रेट लाइंस एंड इट्स ऑलवेज वर्क्ड बेटर एंड आई रियलाइज कि प्लान जो है जब तक रिजॉल्व होता है उसके बाद ही उसका कोई फसाद डेवलप होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग द अदर वे अराउंड काम करते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस हाउस इज predominant, in fact I would say altogether designed by Fawad. It's not, I have hardly any input in this house. When we talked about it, so there was no formal and private space as such. Uski baat ye thi ke semi formal, formal aur teesri private, teen cheeze hain jo cross kar di gayi thi ke formal space as such koi nahi hogi, because living room jo hai wo ghar ka formal space ban jayega automatically, and usme ye hoga ke jab formal space banegi to jo bhi mehman aate hain, jo bhi family aati hai, wo sab usi space mein baithte hain. So there is no ke ji drawing dining wala concept hai. The living room sort of opens out into the open dining kitchenette, and then it opens out into the formal corridor, foyer. Designing in an urban setting, I think you need to have all these elements that I talked about arranged in such a manner that it becomes a pleasant experience to enter that house. जब स्केच करना शुरू किया तो मज़ा ही आया कि मैंने डिसाइड कर लिया, अच्छा यार कॉर्नर का प्लॉट है, उस कॉर्नर के प्लॉट में जो है द व्यूज़ आर ऑल गोइंग टू बी इन दैट साइड, बिकॉज लकीली देयर इज अ स्ट्रीट ऑन द साइड, इट्स अ कॉर्नर प्लॉट, तो हमेशा अगला जो घर है वो जब भी बनेगा वो आपके घर के ऊपर बिल्कुल चढ़ेगा नहीं, इट विल बी स्लाइटली ऑन द आउटस्कर्ट्स. सो द आइडिया वॉज के एक जनरली एक ग्रैंड स्पेस होगी जो मेरा, जिसको मैं अपना ग्रीन स्पेस कहूँगा, जहाँ पर फैमिली ने बच्चों ने इकट्ठा होना है, और उसके साथ एक फॉर्मल प्राइवेट जोन होगी जो बहुत बहुत क्रूशल है. और वो फॉर्मल प्राइवेट जोन क्या होगी, जिसमें इनका अपना बेडरूम होगा फायज़ और मारुख का, और एक गेस्ट रूम होगा, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ फैमिली दैट कम्स इन, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दैट कम इन, मारुख बीइंग फ्रॉम लाहौर एंड ऑफ कोर्स फायज़ बीइंग फ्रॉम पेशावर, तो फैमिली का आना जाना, दोस्तों का आना जाना बहुत कॉमन था. सो इफ देयर इज से द ग्रीन स्पेस और द कोर्टयार्ड, देन देयर वाज द प्राइवेट जोन एट द बैक. अ प्राइवेट जोन जो है उसके साथ देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन व्हिच विल बी द कॉरिडोर इटसेल्फ. तो कॉरिडोर जो है वो आपका जो है वो जो कनेक्ट करेगा गेस्ट रूम और साथ में उसके जो पर्क जो सात चीज़ें आती हैं वो उसकी डाइनिंग स्पेस, उसका किचन, उसका स्टाफ एरिया होता है. And then we have the living quarters. So the end became a very simple, straightforward plan where we had a connection of a larger foyer space, and then we had the formal dining and open kitchenette. तो जब हम बात इस पे आए तो उसने कहा यार बिल्कुल हम भी ऐसी सोच रहे थे. और मुझे याद है कि हम जब एक प्राइवेट स्पेस की बात करें तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जो मेरा बाथरूम, मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है वो थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए. बट I want, because they have three boys, तीनों के कमरे अपने अपने हैं, तो वो इस बात पर मैंने उनको रजामंद जरूर कर लिया कि अच्छा वो तीनों जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, एंड देन दिल हैव अ कम्बाइंड लाउंज. बट फॉर यू मे बी द काइंड ऑफ एंटेनमेंट यू डू, यू शुड हैव अ लिविंग रूम ऑफ योर ओन. सो एंड में ये बात निकली कि हाँ दैट्स ट्रू, लेट्स हैव इट. तो फिर ये हुआ कि जो अगर ये लोग खुद ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो देयर इज इंटरनल कनेक्शन ऑफ अ स्टेकेस जो हमने डिसाइड की. सो देयर वाज से इंटरनल स्पाइरल स्टेकेस जो कनेक्ट की गई, एंड देन दे केम द फॉर्मल स्टेकेस, ताकि बच्चों ने ऊपर जाना है तो अपनी स्टेकेस यूज़ करें, बट इनको अपने लिए इंटरनली एक स्पेस चाहिए जो अपनी स्पाइरल स्टेकेस जो अंदर से. सो देयर रूम प्राइमरली बिकेम अ डबल हाइट और अ डबल स्टोरीड मास्टर स्वीट.
my favorite part of the house is my study. And because that room has my soul, it has a lot of color, that is who I am. And you'll see a lot of artwork there. Every single book in that room is my book. Nobody reads in this house other than me. So it's my space, it's my working space, it's my space where you can go and, you know, you're away from the noise of the house and it keeps you a little private up there, and yet the colors, they're all me. That's my soul, my personality. फिर बात आई कि अच्छा यार, ये फॉर्मल स्टे केस है, उसको अलग रहना है. तो फॉर्मल स्टे केस, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के दोस्त आएंगे, सो वेयर विल दे गो? सो दे व्हाट द आइडिया वाज कि अच्छा, उनकी एक फॉर्मल स्टे केस जो है वो अलग रहेगी, और उसके उसके लिए आने के लिए, सो यू एंटर अ कॉरिडोर एंड फॉर मारो इज इंपॉर्टेंट के दे शुड नो कि कौन दोस्त आ रहे हैं. सो दिन इन द एंड यू विल पास थ्रू द मेन कॉरिडोर, द फॉयर, देयर वुड बी नो एक्सटर्नल स्टे केस. सो हम जब दाखिल होंगे इस किसी फॉर्मल फॉयर से, विच इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ वाटर कोर्ट और वाटर स्पेस, एंड देन यू हैव योर लिविंग रूम, देन यू हैव योर फॉर्मल स्टेकेस, देन यू हैव अ लार्ज कॉरिडोर कनेक्टिंग द टू रूम्स एट द बैक विद द ओपन एरियाज विद अ लार्ज डाइनिंग स्पेस, ड्रेसिंग रूम, एंड देन अ फॉर्मल वॉकिंग क्लोजेट. तो ये दो चीज़ें तो थी वो यहाँ पर आपकी सिंपली आ गईं, ताकि वो घर से कनेक्टेड भी हैं, और गेस्ट रूम जो होता है वो हम अब हर जगह को एक परफेक्ट व्यू देना जो था पॉसिबल नहीं होता. सो ये दिमाग में तय हो गया कि हाँ, गेस्ट रूम जो है ना उसको हम थोड़ा सा, इफ इट हैज़ स्मॉलर व्यूज़ एंड हैज़ सम काइंड ऑफ अ ग्रीन स्पेस आउटडोर्स है, लेकिन जो बाकी कमरे हैं उन सब को मैक्सिमम ग्रीन स्पेस के अंदर खोलना है. सो दिस इज डिसाइड कि अच्छा, जो फॉर्मल मास्टर स्वीट है वो एक तरफ होगा, लिविंग रूम उससे कनेक्टेड होगी, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी पूरी इस डिज़ाइन की प्रोसेस में, वो ये थी कि जो घर है वो पूरे दिन वेल लिट रहे. प्रिवेसी का एक एलिमेंट भी है, और प्रिवेसी एलिमेंट किस तरह है कि द लार्ज ग्लेजिंग इज़ गोइंग टू बी अनऑब्स्ट्रक्टिव. देर हैज़ टू बी इधर अ ग्रीन कोर्ट, और देर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अ फॉर्मल सिटिंग एरिया जो उस ग्रीन कोर्ट के अंदर देख रहा है, डाइनिंग एरिया भी उसमें देख रहा है. सो देर वर मल्टीपल ग्रीन कोर्ट्स दैट वी केम अप विद. And I think when I was doing it, and जब हमने बात की कि यार सिर्फ शाम को आके बैठा करोगे तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह कौन सी, तो ये डिसाइड हो कि हाँ यार, हम एक डाइनिंग स्पेस में बड़ा वक्त गुजारते हैं. सो डाइनिंग स्पेस बिकेम अ फॉर्मल स्पेस एंड एन इनफॉर्मल स्पेस, बिकॉज द होल फैमिली वुड गेट टुगेदर ऑन दैट सेम स्पेस, एंड देन द फैमिली वुड ऑल्सो, व्हेन दोस्त आते थे वो भी सब यहीं बैठते हैं. सो हम जब आते हैं हम सब यहीं बैठते हैं. अब जब फाइनली वो बना, सो देन वी केम अप विद द फैक्ट कि अच्छा, अब एक स्पेस बन गई फॉर्मल जो इनकी है, जो विच इज़ द ड्राइंग रूम, विच इज़ द लिविंग रूम, एंड देन देर इज़ द फॉर्मल डाइनिंग रूम, एंड उसके ऊपर अब क्या होगा उसके ऊपर. सो वी ब्रॉट द आइडिया कि अच्छा, बच्चों के जो कमरे हैं वो सारे उसके ऊपर निकलने शुरू. सो वी टुक द वन ऑफ द स्पेसेस विच इज़ द रूम अबव द लिविंग रूम इज द एल्डेस्ट सन राफिज़ रूम. I wanted my room to be big enough so that I could incorporate my office work in it as well as my free time as well. So I didn't want a special place where I can go especially to study or to learn or for my office work, because I have a very strenuous 9-hour a day job, which is why I have my office table with me, which is why I wake up from the bed, come and enjoy my space, and I have a good view as well, which is something that's important for me. I wanted to ensure that my room is something that can be my safe space, my safe haven, and I don't need to, you know, get out of my room much. If I even have to go to work, I can just, you know, get up, sit on my table and work. It was the first time where I was so included in the making of the house and the architecture and all of it, especially the cabinets. I wanted to make sure that I have big cabinets, because in my previous house I had like one, and I used to share it with my brother. So definitely with this entire process, entire house is, I've had a lot of input in it and I really enjoyed it. Someone who's fond of like dark gray colors, and when I chose my bathroom, I wanted to be like really dark and gray, because I'm sick of the typical white bathrooms that normally you find in every other house. So also, yes, because it's a big bathroom, it's something that I've always been inspired. Jab main married zyada tha, I've always thought ki acha, I want a bathroom like that. That's, you know, it's some place you can, you know, enjoy yourself in when you're just personal grooming yourself.
बात एंड में आई गई कॉर्नर प्लॉट है, पीपल विल बी लुकिंग इन टू द हाउस, सो वॉट डू वी डू. सो इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन दैट ऑफ कोर्स लैंडस्केप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू द कैरेक्टर ऑफ द हाउस. सो हमने ग्रीन्स जो था उसको पहले से डेवलप करना शुरू कर दिया. एंड देन केम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट वॉज दैट अच्छा यार अब बाउंड्री वॉल क्या होगी. तो बाउंड्री वॉल के लिए मैंने उनको कहा, मैंने कहा व्हाई नॉट वी लुक इनटू अ ब्रिक जाली वॉल, बिकॉज एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, दूसरा है कि लैंडस्केप जब उसके साथ मर्ज करता है तो वो बिल्कुल. सो द फ्रंट वॉल एंड द साइड वॉल व्हिच इज ओपन टू द स्ट्रीट वी गॉट इनटू फैक्ट एच आर इस कॉर्नर स्पेस को हम पूरी तरह हम एक ब्रिक जाली वॉल में कन्वर्ट करेंगे और इसके और साथ ही साथ प्लांटेशन डेवलप करके हम इस स्पेस को एक इनफॉर्मल सी बट वेल ब्रीजी विंड पास हो रही है इसके थ्रू उस पर हम दोनों रजामंद हुए. सो आई थिंक बहुत सारा चीज़ें खुद ही लॉक होनी शुरू हो जाती हैं व्हेन बोथ द क्लाइंट एंड व्हाट बेटर देन इफ इट्स अ फ्रेंड एंड द कंसल्टेंट द आर्किटेक्ट बिकम कम टू द सेम कंसेंसस कि जहाँ ये हमने करना है और इस तरह पॉसिबल हो. I'm very comfortable with it. मुझे दो तीन चीज़ें, एक तो ये है कि जैसे टिपिकल हाउसेस होते हैं ना जिसमें आप इंटीरियर एक स्पेसिफिक डिज़ाइन में बना होता है, वो मुझे बहुत बॉदर करता है. उनकी एस्थेटिक्स बहुत प्लीजिंग है, कम्फर्टेबल हैं, एंड आई इन्जॉय माई हाउस बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट. इट्स नॉट जस्ट अ हाउस, इट्स अ होम एंड आई एम कम्फर्टेबल इन एनी रूम. जब मारुख और फायज मेरे पास आए एंड हम डिसाइड कर रहे थे कि हम मटीरियल्स का क्या करेंगे बिकॉज बजट बहुत हमारा टाइट था, तो ये डिसाइड हुआ कि हाँ फेयरफिस ब्रिक में जाएंगे और फेयरफिस ब्रिक के साथ जो दे वांटेड के दैट्स समथिंग दैट वी डू बोथ मी एंड सोहेल साहब कि ब्रिक को तुमने ज़रूर यूज़ करना है, ऐसे तुम करते हो. देन साथ में उसके क्या एलिमेंट्स होंगे वो एल्यूमिनियम के साथ हम क्या रखेंगे. देन वन ऑफ आर फेवरेट टाइल्स विच इज़ द पेटेंट टाइल और क्रीटसोल, नॉर्मली ये पेटेंट टाइल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करता है लेकर आता है, हमने उसको हमेशा यूज़ किया एंड अगेन वी वर एबल टू यूज़ इट इन दिस प्रोजेक्ट. इतफाक ऐसा था कि क्योंकि कॉर्नर प्लॉट था, आई टुक एडवांटेज ऑफ दैट एंड आई ओपन द प्लान टूवर्ड्स द ग्रीन गार्डन एंड ऑफकोर्स वट एवर व्यूज़ आई कुड डू. एंड सोने पे सुहागा कहें या उसको कहें कि अपॉर्चुनिटी मिली, वी यूज द काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव ग्लास विच नॉर्मली आप यूज़ नहीं करते, बट इट रिफ्लेक्टेड द एक्सटर्नल लैंडस्केप विच वॉज काइंड ऑफ मैन मेड नहीं बल्कि इट वॉज नेचुरल वॉज रिफ्लेक्टेड विद इन द हाउस थ्रू दैट ग्लास दैट वी हैड यूज ऑन द इंटायर ग्लेजिंग ऑफ द हाउस. सो आई थिंक इसमें दोस्ती का फ़ायदा हुआ बिकॉज वी वर एबल टू डू वॉट वी वॉन्ट टू डू. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो पहली दफ़ा प्लान डेवलप किया वही प्लान एक्सेप्ट हुआ, उसी को हमने बेहतर किया और इट वॉज अ कम्प्लीट जर्नी विच वी वेंट थ्रू एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस विद इन द ऑफिस. पहले इनिशियल डिज़ाइन, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन और फिर मटीरियल्स, ऑफकोर्स फेयरफेस ब्रिक, फेयरफेस कॉन्क्रीट, उसके अलावा जो भी नेचुरल मटीरियल्स है उसमें हमने अपने आप को अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट किया. There were a few finishing issues, but then we realized that it's very raw. Let it be raw. The house doesn't need to be a finished product. We're all architects. We're not interior designers. Let it be. Let it grow on you. So I think that was something that we did, and I think it was a successful attempt. Skylights is a primary factor of all our designs. It's kahin badi kahin choti because jo ek natural light hoti hai wo andar ghar mein aap normally through the roof laate hain. Of course the windows were already there was enough light, but foyer ke andar ya corridors ke andar light lane ka sabse acha source hota hai wo uski skylights hoti hain. Kahin wo bahut brick mein detailed hoti hain, kahin wo simple hoti hain, but wo pure saal pure din sardi garmi mein light lekar andar aati hain. सो अगर आप हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को देखेंगे, खा वो एक लार्ज रिटेल आउटलेट है या वो मॉल है या वो अपार्टमेंट बिल्डिंग है या वो घर है, इवन इन इंटीरियर्स वेयर वी डू एन ऑफिस प्रोजेक्ट, वी ट्राई कि किस तरह नेचुरल लाइट को कैप्चर करें. एंड आई थिंक स्काईलाइट इन मेनी वेज बिकम्स दैट एलिमेंट विच ब्रिंग्स इन द नेचुरल लाइट एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ अनइंटरप्टेड एंड प्राइवेट लाइट. सो दैट वॉज वन द रीजन्स दैट यू सी दैट थिंग विच आई लर्न फ्रॉम सोहेल साहब के यार ओके कोर्टयार्ड तो है, गार्डन तो है, लेकिन
आपने कॉरिडोर्स में भी लाइट रखनी रहा दिन के वो डार्क डिजी कॉरिडोर्स बन जाए. सो स्काईलाइट रियली हेल्प टू डू दैट एंड आई थिंक इन दिस केस अगेन वी वर एबल टू डू दैट. बेनिफिशियल रहा हमारे लिए भी और इन द एंड वी वर एबल टू डू इट रियली वेल. I hope that all of you enjoy it. The friends that live in it, they're enjoying it, and I think everybody who was part of the team loved doing it. So I think it was an attempt which again is only possible with the efforts of an entire office, the engineers, the people who do the structure for us, people who do the plumbing and electrical design, and of course HVAC. Har banda involved hota hai. So it's always the lead consultant, architect, jo sirf usko us puri team ko saath leke chalta hai. So I'm very happy and very glad that the end product came out exactly how we had perceived it. Maybe a few flaws here and there, but I think that's part of the game. So it was an effort that we'd love to do again and again and again.